आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जिसका नाम अभी डीपीआई में नहीं आया वह परेशान ना हो, वर्ग तीन सेकंड काउंसलिंग ट्राइबल की लिस्ट जल्द ही जारी होगी। ट्राइबल लिस्ट आने का कारण, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण यह यकीन हो कि ट्राइबल लिस्ट आएगी। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखें, सबसे पहले इसकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नोटिस आया तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, यह है आपका नोटिस है। इस नोटिस में स्पष्ट तौर पर लिखा है लोक शिक्षण संचालनालय। कहने का तात्पर्य है, पहला सबसे बड़ा रीज़न ये डीपीआई का है। और नोटिस के हम दूसरे बिंदुओं पर, अहम बिंदुओं पर बढ़ते हैं। इसमें दिया है प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु 26/11/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। ये 26/11/2022 को जो विज्ञापन जारी हुआ था वह डीपीआई का हुआ था, ना कि ट्राइबल का। आप चाहें तो स्वयं भी देख सकते हैं, आप इसमें स्वयं भी देख सकते हैं ये जो विज्ञापन जारी अनुक्रम हुआ है 26/11/2022 लोक शिक्षण संचालनालय। आप चाहें तो डीपीआई का जो विज्ञापन जारी हुआ तो उसको भी हम देख लेते हैं। आप देख लीजिए, ट्राइबल का विज्ञापन अनुक्रम है 26/12/2022। तो जो अभी जारी पद किए गए हैं वह डीपीए के आधार पर किए गए हैं। अब दूसरे रीजन पर बढ़ते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, डीपीआई में कुल पद थे 7500, जिसमें से बेटिंग तैयार की गई है 50%, 3750 पर। और जिनका टोटल करें तो 11250 होते हैं, बल्कि जो डीपीआई की ओवरऑल मेरिट लिस्ट जारी की गई है वह 11,665 पदों पर हो गई है। तो इस कारण से यह जो पद हैं यह अभी डीपीआई की लिस्ट हुई है। यदि यहाँ पर 50% के स्थान पर डीपीआई की 25% मेरिट लिस्ट जारी होती है तब हो सकता है कि दोनों ऐड हों, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में ही 50% जारी हुई थी बेटिंग, तो इसमें भी 50% ही जारी होगी। तो बढ़ते हैं आप तीसरे कारण की ओर। तीसरे कारण में आप देख सकते हैं निर्देशिका का नोट देखें। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा, किंतु अभी जनजातीय कार्य विभाग अर्थात ट्राइबल ने रोस्टर ही जारी नहीं किया है। यदि रोस्टर जारी कर चुका होता तो हम मान सकते थे कि यह आपकी इसमें संयुक्त काउंसलिंग हो रही है। अब हम आगे के कारण की ओर बढ़ते हैं। यदि आप इस पूरे आदेश को पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी संयुक्त काउंसलिंग का जिक्र नहीं किया गया है, ना ही ट्राइबल का जिक्र किया गया है। इस कारण से अभी यह उम्मीद है कि अभी जो जारी किया गया वह डीपीआई के जारी किया गया है। अब जैसे ही कोई क्लियर सटीक जानकारी प्राप्त होती है, हमने आपको कारण भी बताए, उस कारणों के साथ हम पुनः वीडियो लेकर आएंगे। इन सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि जो अभी मेरिट आई हुआ है वह मात्र डीपीआई की है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।